ओ पल्ला जी, देंगे ना कल पैसे? हाँ हाँ, चलो भाइयों, कल हिसाब किताब करके आना, सूद समेत पैसे मिलेंगे। ओए पल्ला जी, वो तो आपको बचाने के लिए ही मैंने सूद समेत बोल दिया। भल्ला अंकल, पैसे आपने कहाँ छुपाए हैं? तुम्हें कैसे पता चला? ओ मेरा भतीजा है जी, चोर की चोरी और झूठे की कमजोरी पल में भांप लेता है। मेरे पैसे? नहीं, मेरे पैसे चोरी हो गए। जी पल्ला जी, सब चले गए हैं, अब फिर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाटक नहीं, सच में मेरे पैसों का सूटकेस गायब है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अंकल, आपने किसी को बताया था इस टंकी के आइडिया के बारे में? अरे ये तो मुझे एडवाइस बाबा ने आइडिया दिया था। एडवाइस बाबा? यानी बैग के बारे में आपके और एडवाइस बाबा के अलावा किसी को नहीं पता? मुझे शक है कि चोरी और एडवाइस बाबा में जरूर कोई कनेक्शन है। आइडिया। भल्ला जी की याददाश्त चली गई है, उनके पिताजी की आखिरी निशानी ये नीले रंग का बैग कहीं गुम हो गया है। उस बैग में क्या सामान था वो भी भल्ला को याद नहीं है, लेकिन अगर कोई वो बैग ढूंढ के देगा उसे इनाम में 5,00,000 रुपए मिलेंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता, अब तो 5,00,000 भी मेरे होंगे। बेचारा भल्ला। ओ भाई साहब, कहाँ से मिला आपको ये बैग? भतीजे, ये तो एडवाइस बाबा नहीं लग रहा है। इसे जरूर पता होगा कि चोर कहाँ है। कहाँ है वो चोर, बताओ? भल्ला अंकल, ये कह तो रहे हैं कि उन्हें बैग कचरे के डिब्बे के पास मिला, इन्हें क्या मालूम अंदर क्या है? माफ कीजिए, उनकी याददाश्त चली गई है। भल्ला अंकल, इन्हें तो इनाम के 5,00,000 मिलने चाहिए। आज के समाचार बस यहीं समाप्त हुए, धन्यवाद। ओए भतीजे, कुछ कर, वरना इसने हम सब के समाचार समाप्त कर देने हैं। खोजी अंकल, अब तो इस मछली को लॉकेट पहनना ही होगा। लेकिन इस उड़न खटोले को लॉकेट पहनाएंगे कैसे? बंदूक जी, हम उड़ नहीं सकते, लेकिन उड़ा तो सकते हैं। ओए भतीजे, तुम किसको उड़ाने की बात कर रहा है? इस मछली का पीछा करते करते तो मेरे तोते उड़ गए यार। अरे नहीं चाचू, मैं पतंग उड़ाने की बात कर रहा हूँ। अरे भतीजे, मछली को लॉकेट पहनानी और तन्ने पतंगबाजी करने की पड़ी से है? बंदूकनी जी, पतंग के नीचे लॉकेट लगा होगा और वो हवा हवाई के गले का हार बनेगा। लेकिन भतीजे, हवा हवाई पतंग के पास क्यों आएगी? उसके लिए चाचू और बंदूकनी जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बंदूकनी जी, और रॉकेट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गड्डी है, और जरा संभल के। चाचे इब की बार कोई गलती ना करना, वरना रॉकेट समझ के चांद पे भेज दूंगी तने। हवा हवाई, आजा आजा आजा। ओए रुक जा। ओए रुक जा हवा हवाई। भतीजे ढील दे, ढील और ढील दे, अरे और दे। ये उड़ी तेरी पतंग। रुक, और रही भतीजे की पतंग। और चाचे, इब की बात कोई गलती नहीं।
ये कौन आया पतंगबाजी करने? भतीजे, ये तो सामने वाली टेरेस से चौगावर पतंग उड़ा रहा है। हो गया बंटा था। ओ, कोई बात नहीं खजी अंकल, उसने हवा हवाई को डिस्ट्रैक्ट किया, हम उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बहादुर जी, बंदूक निजी का मिरर तो दीजिए। भतीजे, अब तुम जोगावर का मेकअप करोगे? एक तरीका है बहादुर, जल्दी से ब्रेक लगाओ। चाचू, बचपन में आपने मुझे घोड़ा बनकर बहुत खिलाया, आज एक बार फिर हो जाए क्यों? टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। बंदूक जी, इस खास काम के लिए मुझे घास की जरूरत है। और ये ले भतीजे। टिक टिक घोड़ा, चाचू लेफ्ट चलिए। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। ये कौन सा गेम है? टिक टिक घोड़ा, चाचू सीधे चलिए। टिक टिक घोड़ा। बावड़ी बूझ भर। और मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उठा के लाया हूँ। अच्छा चाचू, क्या आपको पता है कि डॉगी सबसे वफादार जानवर होता है? ओ भतीजे, यो क्या कर दिया, मुझे रोका और खुद जानवर का नाम ले लिया। मेरे पास एक प्लान है जिससे चाचू फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इस गुलाबी रस की खुशबू को सूंघकर चाचू हमें उस रस की बोतल तक पहुंचा देंगे। ओ, तो ये प्लान था तुम्हारा। बहादुर, जल्दी जाकर वो बोतल उठाना। पक, 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 सुनो जी, ये इंसान हमारे दानों चुराने आए हैं। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारा दाना चुराए? पहली बार एक इंसान को डॉगी की तरह बर्ताव करते देख रहा हूँ। मुझे किसी तरह से गुलाबी रस की बोतल वहाँ से लेनी होगी। खोजी अंकल, जल्दी से वो आंटी कंट्रोल रखो। ओ, वो ही तो नहीं होता ना। पुलिस? यहाँ पुलिस कैसे आ गए? कर रहे हो तुम दोनों? सीधे खड़े रहो। वही भतीजा वही है, हमें उसे बचाना होगा। चाचे रुक, भतीजा जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, हम बाहर गए तो खतरा है। पुलिस सायरन की आवाज बंद हो गई, लगता है कोई पुलिस वैन यहाँ से गुजरी होगी, हम खामखा घबरा रहे थे। पर बॉस, ये पीटर कहाँ चला गया? अभी तो यही था। टोपी मार्क के पास है, तो वो मेरे मन की बात पढ़ सकता है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि उसे गुमराह कर सकूं। ओए रिपीटर,
ये पीटर कहाँ भाग गया? मार्क को कभी पता नहीं चलेगा कि पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा है। हैं? ये क्या? इसके होंठ नहीं हिल रहे, फिर भी मुझे इसकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ओए, तूने कुछ कहा? नहीं तो, पीटर कहीं पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं तो सच में इस लड़के की मन की बात सुन पा रहा हूँ। छंगो, पीटर उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। चंगू तो वापस आकर मार्क से यही कहेगा कि पीटर वहाँ नहीं है, क्योंकि आखिर चंगू तो मेरा ही आदमी है। बॉस, पीटर वहाँ नहीं है। झूठे! तू मेरा आदमी होकर उसके लिए काम करेगा। बॉस, ये आप क्या कह रहे हो बॉस? चंगू भाई, बहुत लगी क्या? कौन है? किसने मारा? आज हर कोई मुझे बिना वजह के मार रहा है। वाह मंगू, मार्क को क्या किक मारा है? अगली बार और तेज किक मारना। मंगू, तू भी? तुम सब गद्दार उस पीटर के साथ हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपका वफादार। बॉस, ये देखिए, उस पीटर ने यहाँ पुलिस को भी बुला रखा है। अगर हम गद्दार होते तो इस पुलिस को क्यों पकड़ कर लाते? और आपने हमको कितना मारा? मुझे माफ कर दो मेरे चंगू मंगू। पीटर, बाहर आ जा, वरना मैं इस रिपीटर।